सवा लाख किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का काम योगी सरकार ने करा है। 21,000 करोड़ गन्ना किसानों का भुगतान करने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। भारत सरकार ने एक बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बनाकर यहां पर युवाओं को रोजगारी के लिए एक नया रास्ता खोला है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उत्तरांचल एक्सप्रेसवे, कई सारी योजनाओं को योगी सरकार ने आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की सरकार चली है, केंद्र की सरकार चली है, देश भर में 3.25 करोड़ से ज्यादा माताओं को एलपीजी गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 7 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 7 करोड़ से ज्यादा गरीबों को शौचालय अपने घर में देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब नई योजना लेकर मोदी जी आए, देश के 10 करोड़ परिवार, देश के 50 करोड़ की जनसंख्या को 5 लाख तक का जो भी आरोग्य का खर्चा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा, वो पूरा का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार हर गरीब को देने के लिए इस बजट के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने वादा किया है। और देश का किसान सालों से मांग करता था कि हम मेहनत करकर जो फसल पकाते हैं, उगाते हैं, हमारी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है, फसल चाहे रबी हो, फसल चाहे खरीफ हो, हर फसल में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसानों को देने के लिए ये बजट के अंदर घोषणा करके लाई। मित्रों, मैं जब रायबरेली की भूमि पर से बोलता हूं तब मैं आपको कहना चाहता हूं, इस भूमि ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को सालों तक चुनकर भेजा है, मगर रायबरेली का विकास नहीं हुआ। मैं चुनाव में जब घूमता था लोकसभा का, अमेठी भी घूमता था, रायबरेली भी घूमता था, मैंने देखा था ये लगता ही नहीं कि देश के बड़े बड़े नेता यहां से चुन कर गए, मगर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं योगी सरकार फिर से वोट लेने आए उसके पहले इस रायबरेली को हम एक आदर्श कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाकर आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने आज तक विभाजन करने की, भागला करने की नीति को अपनाया है और यहां तक कि सबको गुमराह करने के लिए, अपनी वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए टेररिज्म का, आतंकवाद का भी कलर तय किया। अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद की एक अदालत ने मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के सारे आरोपियों को बरी कर दिया, असीम आनंद जी को बरी कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तब असीम आनंद जी समेत सब लोगों पर आरोप लगा था कि उन्होंने मक्का मस्जिद पर बम ब्लास्ट किया, आज अदालत ने बरी कर दिया। मैं रायबरेली की भूमि से राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, राहुल बाबा, आपने, आपके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने, पी चिदम्बरम ने, दिग्विजय सिंह ने, इस सारे लोगों ने भगवा आतंकवाद कर ये हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का एक घिनौना काम किया था, आज आपको समग्र देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। मक्का मस्जिद के सारे आपके किए हुए गलत पर पानी फेंक, अदालत ने सबको निर्दोष छोड़ा। अदालत ने कहा है कि एक षड्यंत्र है किसी को बदनाम करने का। राहुल जी, राजनीति में कितना नीचा जाइए इसकी सीमा तय कर लीजिए। अपनी वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए इतनी पुरातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को दुनिया भर में बदनाम करने का आपने काम किया है। 4 दिन हो गए, अभी भी कांग्रेस के नेता माफी नहीं मांगते हैं। मित्रों, आप बताओ,
आप रायबरेली वालों ने अनेक सालों तक कांग्रेस को यहां से जिताया है। हिंदू आतंकवाद, बंगवा आतंकवाद का गलत आरोप लगाने के लिए कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए, मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मित्रों, मगर वो नहीं मांगे, वो नहीं मांगेंगे, उनको अपनी वोट बैंक गर्भ जाने का डर था।